24 न्यूज इन इंडिया के लिए स्योहरा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। वाणिज्य कर धामपुर सहायक आयुक्त अनमोल कपूर ने बताया कि 1 जुलाई 2017 को वैट के स्थान पर GST लागू हुआ था। मुख्यमंत्री ने विगत सप्ताह संपूर्ण वाणिज्य कर विभाग में प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में पंजीकृत व्यापारियों की कम संख्या पर खेद व्यक्त किया। पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। पंजीकृत व्यापारियों को प्रदेश से बाहर से सामान मंगाने की सुविधा दी गई है और नया GST रिटर्न फाइलिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार की मंशा है कि व्यापारी अधिक से अधिक पंजीकरण लेकर लाभ उठाएं। व्यापारियों में जागरूकता लाने के लिए वाणिज्य कर विभाग आपके द्वारा योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर पंजीकरण लेने का कार्य किया जा रहा है। इस भ्रमण में 51 व्यापारियों को जागरूक कर पंजीकरण के लिए गए। इस अवसर पर वाणिज्य कर अधिकारी देवेंद्र पाठक, व्यापार मंडल नेता अरुण कुमार वर्मा मौजूद रहे। मेरा नाम अरुण वर्मा है जी। मैं नगर अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल सेवाड़ा जी। और आज जो सर ये कमिश्नर साहब आए हुए थे यहाँ पर, तो इसके बारे में कुछ। ये शासन की नीति के तहत हमारे असिस्टेंट कमिश्नर श्री अनमोल कपूर जी यहाँ पर आए हैं। हम पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सरकार की जो नीति है कि सारे व्यापारी, चाहे वो ग्रामीण अंचल के हों चाहे वो शहर के हों, इन्हें सभी को जो है रजिस्ट्रेशन कराने की मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर वो चाहते हैं, चाहे वो उनका स्लैब 40 लाख से नीचे भी आ रहा है, तब भी अगर वो चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा ये होगा कि पहले जो हमारे व्यापारी को 5 लाख रुपये व्यापारी दुर्घटना बीमा था, वो बढ़ा करके अब 10 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी फैसिलिटी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। लेकिन साथ में मैं सरकार से ये और कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आपका सर आपको से डिपार्टमेंट से हैं वाणिज्य कर विभाग असिस्टेंट कमिश्नर। अरे सर जो आज आपका सुहारा आना हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार व्यापारियों में पंजीयन बढ़ाने हेतु एक जागरूकता अभियान है, प्रोत्साहित करने हेतु पंजीयन अधिक से अधिक GST में कराकर उस सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं एवं स्कीम है उनका लाभ ले सकें। इसलिए एक जागरूकता अभियान है जो भ्रमण द्वारा व्यापारियों को जागरूकता किया जा रहा है क्षेत्र में। अच्छा सर, यहाँ सिहारा में कितनी दुकानों पर लगभग अपना आपने भ्रमण किया होगा? लगभग 50 दुकानों पर आज भ्रमण किया है, जिसमें से अधिकांश पंजीकृत पाई गई। जो अपंजीकृत पाई गई उन्हें पंजीयन के लाभों से अवगत कराते हुए प्रोत्साहित किया गया पंजीयन।